और यहाँ पर जैसे ये मेन डाटा पे जाना है तो वापस देखिए इस वाले डाटा पे लेके चले आए। सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेल वाले एंट्री चला गया, मेन डाटा पे क्लिक करेंगे तो फिर मेन डाटा पे ऑटोमेटिक, अब यहाँ पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी है डाटा मेन डाटा, अब यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे सेल रिसिप्ट पर, तो यहाँ पर देखिए एक डेट दे रहे हैं जैसे आज का ये डेट है, और यहाँ पर इनवाइस नंबर हम कुछ भी दे दिए, और यहाँ प्रोडक्ट में दे दिए जैसे चेयर, चेयर दे दिए, यहाँ पर हम ये पैसा को दे दिया, और यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यहाँ बूढ़ा का चिन्ह लगा देंगे, जैसे मान लीजिए एक बार लगाते हैं बस अगली बार नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगा, है ना। यहाँ पर सेल वाले एंट्री में क्लिक करेंगे ना तो देखिए सेल वाले एंट्री में जब जाएंगे, अब देखिए सेल वाले एंट्री में किए चेयर का एंट्री देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। मेन डाटा पे आते हैं, अब देखिए ये इधर का ये पूरा ऑटोमेटिक आएगा, अब देखिए डेट डेट दे दिए, और उसके बाद में यहाँ पर इनवॉइस नंबर दे दिए, और यहाँ पर दे रहे हैं मॉनिटर, मॉनिटर दे दे रहे हैं 2 पीस 2500 रुपये के 1 पीस, देखिए ऑटोमेटिक ये अमाउंट बताया। अब यहाँ परचेज पे क्लिक कर देंगे, देखिए परचेज वाले पर अब इंट्री चले गए तो देखिए परचेज वाले पर ये वाला मॉनिटर ये आ गया। अब इसको देखते हैं किस तरीके का ये है, कैसे बना। नमस्कार साथियों, एक्सेल के इस ट्रिप्स एंड ट्रिक के सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखने चल रहे हैं कि एक्सेल में डाटा एंट्री का जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे बनाएं, स्टॉक मैनेजमेंट की तरह हम बनाने का आज विचार किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको क्या काम करना होगा कि यहाँ पर हमें कुछ डाटा करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर राइट क्लिक करके रीनेम कर दिए, इसको हम मेन डाटा कर दे रहे हैं, मेन डाटा। अगले वाले में हम कर दे रहे हैं यहाँ पर परचेज कर दे रहे हैं, अगले वाले में हम ले रहे हैं यहाँ पर ये देखिए जैसे यहाँ पर ये वाला यहाँ पर परचेज हो गया, और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं सेल कर दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, और अगले वाले में कर दे रहे हैं पेमेंट कर दे रहे हैं, और इसके अगले वाले में कर दे रहे हैं रिसिप्ट कर दे रहे हैं रिसिप्ट। इस वाले पर राइट क्लिक करके आप इसका कलर भी दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कलर भी दे देते हैं यहाँ पर हम जल्दी से, यहाँ से कलर भी दे सकते हैं ये कलर, परचेज सेल, परचेज हो गया, सेल हो गया, पेमेंट हो गया, ये सब हमारा दे रहा है। तो मेन डाटा ये सब हमारा यहाँ पर दे दिए हैं, अब हमें क्या क्या लेना है उसके बारे में हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट यूनिट रेट, रेट ले लिए, और यहाँ पर एक यहाँ पर हम दे दे रहे हैं, इसको इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम दे दे रहे हैं इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, और यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट, उसके नीचे एक और दे दे रहे हैं कंट्रोल सब प्लस करके, इसको डाउन कर दीजिए, यहाँ पर हम डेट दे रहे हैं, डेट ये डेट दे दिए। अब इसको बार्टर टाइप में, जैसे यहाँ पर हमें ये वाले के चीज को नीचे और करना होगा तो और नीचे भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ अगर बीच में कर लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, तो यहाँ से यहाँ पर हम करते रहे पेस्ट, पेस्ट कर दिए, ये दे दिए अमाउंट, इनवाइस, प्रोडक्ट, यूनिट रेट, और ये वाला कोई हमें इसमें कुछ काम करना है तो यहाँ पर ये पूरा जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जाए तो एक ये दे दिए, और इस वाले में हमें कंडीशन टाइप में जैसे लगाना होगा तो हमें कंडीशन कि अगर ये ब्लैंक रहेगा तो जैसे इक्वल टू इफ इज ब्लैंक, इज ब्लैंक,
ब्लैंक कोष्टक में ये इस कोष्टक को बंद कर दिया कामा, अगर ये ब्लैंक रहेगा तो ब्लैंक आए, अदरवाइज इसमें कुछ लिखा रहे तो पी आ जाए। यहां अगर हम कुछ लिखेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिक पी आ गया। इस फार्मूला को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, इस पे भी पेस्ट कर दीजिए और इस पे भी पेस्ट कर दीजिए और इस पे भी पेस्ट कर दीजिए और यहाँ इसको भी पेस्ट कर दीजिए, ये पेस्ट कर दीजिए। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ भी लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक सब में पी आ रहा है। अब इस पी पर हमें यहाँ पर एक सही का चिन्ह लगाना होगा जो सबसे नीचे है, विंगडिश टू के नाम से जाना जाता है, विंगडिश टू यहाँ पर ये लगा दीजिए। इसके साइज को थोड़ा सा मोटा कलर देना हो तो दे सकते हैं, ये वाला चीज है, इसी को कॉपी कर लीजिए, सारी जगह पेस्ट कर दीजिए, सबसे बेस्ट यही रहेगा, एक साथ में हो जाएगा। अच्छा, इसके साइज को थोड़ा सा और रिड्यूस कर देते हैं कि ये जैसा साइज पाएगा वैसा ये ले लिया। यहाँ से हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही ले लेते हैं। अब ये लिखा गया, जैसे ही डिलीट करेंगे तो ये डिलीट ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जा रहा है। इस पे भी कुछ डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जा रहा है। अब ये क्या काम करना, ये जो हमारा है इसको हमें पर्चे जो सेल वाले पे लेके जाना है तो इसको कॉपी कर लिए, और ये वर्टिकल है जहाँ आपको चाहिए, यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल रूप में चाहिए तो कंट्रोल अल्टर वी कर देंगे और यहाँ पर ट्रांसपोज पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा वर्टिकल रूप में हो गया। इस पे भी क्लिक करके कंट्रोल अल्टर वी कर देंगे तो इस पे भी ये ट्रांसपोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा पूरा इधर का ये दे दिया। अब हमें इस पे एक लिंक टाइप बनाना है कि जैसे ये मेन डाटा है, मेन डाटा पे पहुंच जाए हम, यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर क्लिक करें तो हमारा तुरंत इस पे पहुंच जाए परचेज पे सेल पर। इसके लिए एक छोटा छोटा डब्बा ले लीजिए आप, यहाँ से स्टेप्स में जाकर एक छोटा डब्बा लीजिए यहाँ पर, और इस पे राइट क्लिक करके ऐड कर लीजिए एडिट टेक्स्ट, इसमें लिखिए परचेज, इसी को कंट्रोल दबा कर डबल कर लीजिए। यहाँ पे भी क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एक दो इधर भी कर दे रहे हैं, ये इधर इसमें आपका परचेज हो गया, इस वाले में आप सेल कर दीजिए। यहाँ पर जाकर इसको बीच में कर देते हैं, इसको यहाँ पर रिसीव कर देते हैं, रिसीव यहाँ पे परचेज ही रहने देते हैं और यहाँ पर सेल। और यहाँ पर पेमेंट और यहाँ पर प्रॉफिट एंड या लॉस, इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर पूरा ये बन गया। अब क्या काम करें कि इस पर क्लिक करें तो हमारा रिसिप्ट वाले पे चला जाए, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला चला जाए। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसी पर राइट क्लिक, लिंक और यहाँ पर रिसिप्ट वाले को यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ओके कर दिया। अब क्या हुआ कि इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक उस पर लेके चला गया। अब यहाँ पर हमें इस पर भी परचेज पे भी लगाना है तो राइट क्लिक, लिंक परचेज, राइट क्लिक लिंक सेल का, अपने पास डाटा नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी फिलहाल इसको पेमेंट के लिए राइट क्लिक, लिंक पेमेंट, सेल के लिए नहीं दिख रहा है तो इसके लिए क्या काम करेंगे, इसको थोड़ा सा डिलीट मार दीजिए। चलिए डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर हम सेल के लिए अलग बना देते हैं सेल।
सेल के लिए सेल का कलर दे देते हैं। अब इस पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, लिंक सेल आ गया ना। अच्छा, और एक यहाँ पर हम लोग और ले ले रहे हैं, यहाँ पे इसको करिए, ये यहाँ पे जाए, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, अब यहाँ पर देखिए सेल रिसिप्ट क्लिक करें, रिसिप्ट चले गए, परचेज पे क्लिक किए, परचेज पे चले गए। अब यही काम का काम करिए, इस वाले को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर चले जाइए, यहीं कहीं यहाँ मान लीजिए यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ मेन डाटा लिखते रहे मेन। इसको क्या काम करिए, यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए और इस वाले पर यहाँ कर क्लिक करके पेस्ट कर दिए और यहाँ पर भी क्लिक करके पेस्ट कर दिए और यहाँ पर क्लिक करके भी पेस्ट कर दिए और यहाँ पर भी क्लिक करके पेस्ट कर दिए। ये क्लिक कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर पूरा मेन डाटा पर देखिए, मेन डाटा पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें मेन डाटा पर जाना है, यहाँ से यहीं से क्लिक करके अब ये मेन डाटा रिसिप्ट वाले पे हो चुका है, इस वाले पे भी क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर लिंक पे जाइए और यहाँ से मेन डाटा इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे भी जाइए, लिंक पे जाइए, मेन डाटा सेल पे भी जाइए, राइट क्लिक, लिंक मेन डाटा, यहाँ पे राइट क्लिक मेन डाटा। अब क्या हुआ कि अगर हम इस पे वापस उस पे जाना है मेन डाटा पे तो देखिए वापस आ गए। अब हमें रिसिप्ट पे जाना तो रिसिप्ट पे क्लिक किए मेन डाटा कर दिए वापस आ गए, पेमेंट पे जाना है पेमेंट पे क्लिक किए तो पेमेंट पे ये हमारा वापस आ गया। ये हमारा कुछ इस तरीके का बन गया। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक दे देते हैं किस तरीके का बना रहे हैं यहाँ से, तो इसके लिए आप यहाँ पे मर्ज कर दीजिए और यहाँ पर चले जाइए इंसर्ट में और यहाँ से हम दे देते हैं इस डॉक्यूमेंट्री। और यहां से लेकर यहां तक इसको एक कलर दे दीजिए, बीएफ तरीके जो आपको अच्छा लगे। और इसमें क्लिक करिए और इसका कलर आप दे दीजिए, यहाँ से कलर दे दिए। ये सब हमारा ये यहाँ से यहाँ बन गया। बाकी इस पे आपको ये वाले को क्या काम करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर बॉर्डर दे दिए। क्या हुआ कि ये पूरा हमारा यहाँ से बॉर्डर टाइप बन गया। यहाँ से इसको कलर वलर देना होगा तो देखिए डेट पे थोड़ा सा कलर दे दीजिए अच्छा लगे, कि जैसे ये डाटा एंट्री का सॉफ्टवेयर सच में लग रहा है ना, है ना। ये हमारा यहाँ तक का ये बन गया। इस पे एक कंपलसरी की स्टार का भी चिन्ह लगा दीजिए, देखिए इक्वल टू इज ब्लैंक बी एल ए एन के इज ब्लैंक कोष्टक में इसी को सेलेक्ट कर दिए और इस कोष्टक को यहाँ बंद कर दिए, कामा लगाएं, ब्लैंक आएगा, अदरवाइज हमारा क्या होगा स्टार आ जाएगा। यहाँ पे स्टार कर देते हैं और यहाँ पर हम ब्लैंक कर देते हैं। इस पे भी पेस्ट, इस पे भी पेस्ट, इस पे भी पेस्ट, इस पे भी पेस्ट।
अब यहाँ पे ये जो कलर है इसको कलर में दे देते हैं, थोड़ा सा कलर में दे दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको वापस। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस पे भी 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 कंट्रोल वी और इस पे भी कंट्रोल वी। अब क्या हुआ कि इस पे अगर हम कुछ भी चीज़ें मिटाएंगे ना तुरंत ये स्टार बन के आ जाएगा, कुछ भी चीज़ें लिखेंगे ना तो ये तुरंत ये बनकर आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक एक इधर देखिए बॉर्डर लग गया, तो यहाँ से ऑल बॉर्डर पर न जाकर ऊपर नीचे बॉर्डर लगा दिए, आउटसाइड लगा दिए बॉर्डर। इस आउटसाइड बॉर्डर को यहाँ पे चले गए और ये जो लाइन का कलर है पहले इसका जो बॉर्डर है वो मोटा कर देते हैं, ये डबल लाइन का इसको रहने देते हैं। यहाँ पर जाकर इसको हम क्या काम करें, ड्रा टेबल को हटा दिए। देखिए ये लग रहा है यहाँ पर अच्छा। अब क्या काम करना है कि अब हमें यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये वाला डाटा इसमें से इसमें देखिए ये वाला परचेज भी कर रहे हैं तो इस पर लगाए थे, नहीं यहाँ लगाए हैं इस पर चला गया, और ये इस वाले को भी। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जाकर ऑल बॉर्डर, यहाँ पर जाकर ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दिए। इस वाले डाटा पर ठीक इसी प्रकार क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो सेल वाला है सेल वाले को हम यहाँ पर परचेज यहाँ कर दिए, और ये जो यहाँ का ये जो डाटा है इसको भी हम क्या काम कर दिए, कॉपी कर लिए और सेल वाले में चले गए और यहाँ पर क्या कर दिए पेस्ट। ये पूरा यहाँ से परचेज का भी बन गया और सेल का भी बन गया। अब रिसिप्ट का पैसा है, रिसिप्ट के लिए अभी बनाया जाएगा, पहले परचेज और सेल का ये जो डाटा है यहाँ रिसिप्ट जो भी करें तुरंत उस पे चला जाए, वहाँ का डाटा आ जाए और पेमेंट जो भी परचेज जो भी किए हैं परचेज का पूरा डाटा दिखने लगे, तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। अब ये डाटा को हमें दूसरे जगह ट्रांसफर करना है तो इसके लिए क्या काम करना होगा, कहीं भी क्लिक करके मैं एक माइक्रो रिकॉर्ड करना होगा। माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए अब यहाँ पर आप रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर हम परचेज लिख देंगे, परचेज पी यू आर सी एच ए सही परचेज परचेज करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये परचेज कर लिए और इस वाले डाटा को जो अब रिकॉर्डिंग चालू हो गया है, अब यहाँ पर इसको पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे और परचेज वाले एंट्री में जाकर यहाँ पर डाउन कर दिए और कंट्रोल अल्टर भी कर देंगे और इसके बाद ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब ये देखिए ये चीज हमारा इस पे चला है और यहाँ पर हम क्लिक करके इसको हम इंसर्ट कर देंगे, यानी एक नीचे चला आया और इस वाले डाटा पर फिर वापस आकर इसको डिलीट कर देंगे। अब ये डिलीट हो गया, अब इसको क्या काम करेंगे यहाँ पर जाकर स्टॉप कर देंगे। अब ये क्या हो गया स्टॉप हो गया। अब यही लिंक को हमें इस पे लगाना है यहाँ पर, तो देखिए ये वाला चीज यहाँ पर दिख रहा है ये देखिए। इसके लिए व्यू माइक्रो पे गए यहाँ पर दिख रहा है अच्छा, इस पे कंट्रोल के साथ में क्लिक कर दीजिए
और असाइन माइक्रो पे क्लिक करिए, परचेज को सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे डेट दे दिए, अब ये डेट दिए तो ये अपने आप सही हो गया, ये हट गया स्टार। इनवाइस नंबर दे दिए, प्रोडक्ट दे दिए, कंप्यूटर यूनिट दे दिए और डेट दे दिए 10,500 या 15,000 दे दिए। अमाउंट के लिए क्या हुआ, इक्वल टू करके इसका दोनों का गुणा कर देंगे ना, यहाँ पर ये देखिए इसको गुणा कर दिए। आप जैसे ही परचेज करेंगे तो देखिए ये वाला आपका गायब हो गया, अब परचेज वाले पे क्लिक करके देखेंगे तो ये वाला परचेज की एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब मेन डाटा पे फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेट दे दिए, दूसरा चेकिंग कर लेते हैं, यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे दिए और यहाँ पे दे रहे हैं प्रोडक्ट में कीबोर्ड 25 यूनिट 250 रुपये के हिसाब से ऑटोमेटिक। इसके लिए अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, यही इसको गुणा करेंगे, एंटर कर देंगे। बाकी माइक्रो में अगर आप ये गुणा भी रिकॉर्डिंग किए होते तो माइक्रो में ये गुणा ऑटोमेटिक ये कराने के लिए होता है। अब देखिए यहाँ से इसको, या फिर आपको पूरा सब कुछ कर लेना चाहिए था पर डिलीट आपको इतना ही करना चाहिए था। यहाँ से ये देखिए डिलीट हो गया, आप परचेज में जाकर यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए ये दिख गया है ना, तो ये वाला पूरा डिलीट हो रहा है। तो इसके लिए अब क्या काम कर रहे हैं कि वो जो माइक्रो है उस माइक्रो पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक चीज का और ये है, यहाँ पर ये माइक्रो में हम पूरा इतना ही रिकॉर्डिंग किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको हम यहाँ से कर ले रहे हैं, या फिर अमाउंट को नहीं देंगे तो भी चलेगा, चलिए यहाँ पर गुणा कर लिया जाएगा एक बार। बाकी सेल के लिए देखिए किस तरीके का हुआ, तो सेल के लिए आप कर लीजिएगा। अब अगला रिकॉर्ड हमें सेल में करना है, यहाँ पे सेल में हमारा डाटा है तो मेन डाटा पे आ गए, इसके लिए भी एक रिकॉर्ड सेटिंग करना होगा, यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रो और यहाँ पर लिख देंगे सेल। सेल पे क्लिक करने के बाद में अभी इस पूरे डाटा को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, सेल वाले में चले जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल ये डाउन कर देंगे, उसको अल्टर कंट्रोल भी करके इसको यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में इस पे राइट क्लिक कर देंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो एक नीचे चला आया। अब इस वाले मेन वाले डाटा पर चले आए, अब यहां से लेकर यहां तक इसको डिलीट कर दिए और उसके बाद में यहां पर जाकर स्टॉप कर दिए। अब क्या, अब ये सेल वाला है, अब सेल वाले पे असाइन माइक्रो राइट क्लिक कर देंगे और असाइन माइक्रो और सेल पे क्लिक कर दिए। अब क्या हुआ, देखिए यहां पर डेट दे दिए 23/1/2023, इनवॉइस नंबर, यहां पर मोबाइल, यूनिट और यहाँ पर एक बार ये इक्वल टू को चिन्ह लगाकर ये गुणा कर देंगे। ये देखिए अब ये बार बार नहीं करना होगा, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जैसे ही सेल पे क्लिक किया ना, ये सेल वाला एंट्री में जाके चेकिंग करेंगे तो देखिए सेल वाला एंट्री ये ऑटोमेटिक आ गया है ना। अब मेन डाटा पर चलते हैं, अब देखिए ये तो जीरो दे रहा है, अब यहाँ पर दे देते हैं डेट 22/1/2023 और यहाँ इनवॉइस नंबर दे दिए, यहाँ पर दे दे रहे हैं प्रिंटर और यूनिट में दे दे रहे हैं 52 और 7,500 रुपये का रहेगा, 7,500 ये ऑटोमेटिक ये दे दिया। अब इसको हम परचेज में करेंगे ना तो ये देखिए परचेज वाले में चला जाएगा, अगर सेल करेंगे ना तो देखिए सेल वाले में, अब ये देखिए हम सेल वाले में कर रहे हैं, देखिए ये सेल वाले में चला गया, सेल की एंट्री खुलकर चेकिंग करिए, देखिए सेल वाले में प्रिंटर आ गया, ऑटोमेटिक ये नीचे होता चला जाएगा। मेन डाटा पे क्लिक करेंगे, अब इसी पे एक परचेज का भी देख लेते हैं, चार्जर इनवॉइस नंबर में यहां पर चार्जर रेट में दे रहे हैं 250 यहां पर। अब ये देखिए किसी लड़के का अगर आप एडमिशन फॉर्म बनाना होगा तो इसी तरीके का बनाएंगे, बाकी अगला वाला इसी पे रहेगा। तो यहाँ पर हम परचेज पे कर दिए, देखिए ये परचेज पे कर दिए, तो परचेज वाले एंट्री में जाकर देखेंगे तो ये देखिए एक एंट्री और आपका चार्जर का बढ़ गया, कई तारीख का है ये तारीख भी बता दिया,
चलिए अब यहाँ पर एक चीज का ये है कि हमें यहाँ पर ग्रैंड टोटल लेना है, तो इसके लिए यहाँ पर टोटल कर देंगे, टोटल टोटल लगा दिए, और यहाँ पर अल्टर इक्वल टू कर देंगे, कीबोर्ड से अल्टर इक्वल टू कर देंगे, तो ये क्या होगा कि जो भी एंट्री यहाँ पे बढ़ेगा ऑटोमेटिक डाटा ये हमारा सेव करता रहेगा। तो इसको हम यहाँ से जाके मोटा कलर है ना, यहाँ पर जाकर थोड़ा सा रुपया का चिन्ह लगा दिए, ये दिए देखिए, बाकी पॉइंट को भी आपको अगर आपको कम करना रहेगा तो यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं, तो 39,94,000 करके है। अब ये किस पे है, ये परचेज पे है, सेल पे भी इसी प्रकार लगा देंगे, तो ये वाले एंट्री को हम क्या काम कर ले रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर ले रहे हैं, सेल वाले में चले गए हैं, पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर अल्टर इक्वल टू एक बार फिर से प्रेस कर दीजिए, अल्टर इक्वल टू इंटर, ये पूरा दे देगा। तो परचेज का पता चल गया, सेल का पता चल गया। अब जब परचेज किए हैं, सेल किए हैं, तो अब हमें क्या होगा कि पैसे को लेना रहेगा, पैसे को देना रहेगा, इसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस चेकिंग करते हैं। तो जितना रिसिप्ट किए हैं और जितना पेमेंट किए हैं, परचेज कर दिए इतने का और सेल कर दिए इतने का, तो ये अब हमें रिसिप्ट करना है। तो ऐसा ये करें कि ये वाला जो अमाउंट है वहाँ पे हमारा रिसिप्ट में, जैसे ही यहाँ पे करें, ये ऑटोमेटिक ये वाले अमाउंट से घट जाए। अब इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम पेमेंट के लिए देखिए, अब अगर ये हम खरीदे हैं तो स्वाभाविक सी बात है पैसा देना रहेगा, अगर हम बेचे हैं तो पैसा लेना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा कुछ देर के लिए रोक रहे हैं, थोड़ा सा एक लोग कॉल आ रहा है। यहाँ से ये सब पूरा पूरा हमारा देखिए परचेज का भी क्लियर हो गया और सेल का भी क्लियर हो गया। यहाँ से आप रिसिप्ट का भी, रिसिप्ट और पेमेंट अभी फिलहाल नहीं किए हैं, यहाँ पर सेल और परचेज के ये डाटा बना दिए हैं। बाकी अगले सीरीज में हम लोग सीखते हैं कि स्टूडेंट फॉर्म का इस तरीके का बनाते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल दृश्य कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक 200 लाइक रखते हैं एम, अगर 200 लाइक मिल गया तो आपको एक अच्छा वाला वीडियो मिल जाएगा।